Hello everyone, welcome you all to YouTube channel Life is Awesome Civil Engineering Plans. Okay, आज एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा आज आपको कैसे आप अपने घर में बनाए हुए मेन डोर और या फिर घर के अंदर जो चौखट रहते हैं और उनको आप किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो आज इसके बारे में एक जानकारी देना चाहता हूँ. देखिएगा वीडियो को शुरू से अंत तक और आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है एंड वीडियो सच में हेल्पफुल हो जाएगा. रियली चौकट या फिर फ्रेम जो रहता है ना वुडन फ्रेम काफ़ी कॉस्टली होते हैं. करीब जस्ट फ्रेम लिए तो भी करीब 40-50-60-70 हज़ार तक भी पड़ सकता है. डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ द वुड, ग्रेड ऑफ द वुड. ओके, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा. नहीं हेल्पफुल हुआ तो भी फिर भी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर सकते हैं व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर. तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूंगा कब इसको बिठाना चाहिए और कब इसको टेप लगा सकते हैं. टेप लगाएंगे इसको, लेट्स सी. यहाँ पर देख सकते हैं इधर ये चौखट है. ओके, इस चौखट को क्या है, जस्ट नॉर्मल वाइट वाला टेप जो रहता है ना, वाइट टेप जो है पूरा चिटकाया गया. कब चिटकाया गया, जब आप विंडो लगाने से पहले. यानी कि मान लीजिए यहाँ पर ओपनिंग रखा गया करीब 2 फुट, मतलब 3 फुट का ओपनिंग रखा गया, 3-3.5 फुट. उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप आता है डोर लगाने का स्टेप आता है. ओके, डोर लगा ये फ्रेम लगा चौखट लगाने का स्टेप आता है वुडन फ्रेम. फिर नेक्स्ट अभी आपका वर्क फुल कंस्ट्रक्शन में अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर दीवार छत लगाने से पहले आप लगाना चाहते हैं और दीवार बांधते वक्त लगाए तो और काफ़ी हेल्पफुल रहता है. बिकॉज एक अच्छा ग्रिप पकड़ता है इन दोनों के बीच में, बॉन्डिंग भी सही सलामत रहता है. ये एक एडवांटेज है. बहुत सारे घर में हम देखते हैं पूरा दीवार होने के बाद जो है चौखट बिठाते हैं, वो भी आ जाएगा ये भी आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ये क्या है, ओरिजिनल मेथड जो पुराने घर आप देखते हैं उसमें क्या करते थे, ये दीवार होते होते उसके साथ ही जो चौखट बिठाते थे. बिकॉज एक अच्छा ग्रिप पकड़ता है उसकी, वो एक रीज़न था. एंड आजकल क्या प्रॉब्लम हो रहा है बोले तो भीग जाता है तो चौखट, वुड का जो चौखट रहता है वो ख़राब होने का मैक्सिमम चांसेस रहता. उसको आप कैसे एक अवॉइड कर सकते हैं, एक अल्टरनेट सॉल्यूशन किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं एंड इसका क्या प्रॉब्लम है वो आपको इसमें मालूम हो जाएगा. क्या दिक्कत हो सकती है उससे भी प्लास्टरिंग करते वक्त कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या फिर तब भी फ़ायदा ही है, मैं आपको बता दूंगा. वहाँ पे प्लास्टरिंग हुआ है ना वो मैं फुल प्रैक्टिकली आपको दिखा दूंगा. ओके, इसको जब आप लाते हैं नया चौखट उस वक्त क्या करना, फुल टेप इसको चिटकाना. कौन सा वाला टेप चिटकाना वो भी इम्पोर्टेंट है. ओके, क्या प्लेन वाइट वाला चिटकाना या फिर ये थोड़ा सा ब्राउन कलर में रट रहता है ना उसके वो वाला चिटकाना. यहाँ पर देख सकते हैं वाइट वाला चिटकाया गया तो ये वाला जो है जल्दी निकल गया. यहाँ पर देख सकते हैं आप खुद ही, ये जो वाइट वाला है ना पानी से जल्दी निकल गया ये. ओके, यहाँ पर प्रैक्टिकली आप खुद ही देख सकते हैं ये नॉर्मल वाला बहुत ही जल्दी निकल गया पानी से. एंड यहाँ पर जो है ये ब्राउन कलर वाला टेप इस्तेमाल किया गया ना, ये अच्छा सा रहेगा. ओके, तो दोनों में आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं, वैसा यही यूज़ करना बिल्कुल कुछ भी नहीं, अच्छा सा चिटकाना और कहीं पर भी ऐसा गैप नहीं छोड़ना ताकि यहाँ का पानी जो है सके इसके अंदर जा सकते हैं, उसकी वजह से कहीं पे भी गैप नहीं छोड़ना, ठीक है. और नेक्स्ट प्लास्टिंग की करते वक्त कोई प्रॉब्लम होता है या नहीं, ये इस तरह से मेन डोर का चौखट रहता है ना कॉस्टली चौखट, इसको बचाया गया टेप से. ओके, जब आप दीवार के साथ फ्रेम बिठाना चाहते हैं तो इस तरह से आप एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं फाइंड आउट. एंड यहाँ पर आजकल इस तरह के आ रहे हैं, इसको प्रोटेक्शन ये अच्छा सा ग्रिप होल्ड करना, कॉलम आ गए यहाँ पर, कॉलम और चौखट के बीच में इसको किस तरह से एक अच्छा ग्रिप मिलना बोले तो इन्होंने ये सॉल्यूशन निकाले गए. यहाँ पर पट्टी मारे गए देख सकते हैं आप. ओके, इन दोनों के बीच में इस तरह से एक होल्ड अच्छा है ना बोल को इस तरह का बनाया है. फिर नेक्स्ट प्लास्टरिंग करते वक्त क्या प्रॉब्लम होता है वो देखते हैं. यहाँ पर देखिए प्लास्टर किया गया. ओके, ठीक है,
प्लास्टर किया गया, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या प्लास्टरिंग में कोई दिक्कत आता है या नहीं, अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकली। इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं निकालूंगा बिकॉज काफ़ी मेहनत किया गया चिटकाने में भी। तो इधर प्लास्टरिंग किया गया, तो ये मैं हल्का सा अभी देखिए, इससे आपका चौखट भी बच जा रहा है। यार कौन से भी रहने दो काम, एक एडवांटेज तो रहता है और उसके साथ डिसएडवांटेज कंपलसरी रहता है। जब भाई निकालने गया तो ठीक है, एक प्रॉब्लम सामना फेस करना पड़ा आपको। ये देखिए, इसके ऊपर आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं आपके चौखट को, पानी से चौखट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट वेरी डेंजरस डिसएडवांटेज भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। प्रॉब्लम ये है, जहाँ पे भी आप टेप चिटकाए हैं ना, उस पोर्शन में, उस भाग में जो है पानी वैसा की वैसे ही रह रहा है। यानी कि धूप आए, सन आए, बारिश आए, जब भी आप पानी मारते हैं, फिर एक घंटे के बाद सूख गया, ये ओपन था सूख गया, ओके। अब यहाँ पे क्या है, पूरा फुल कवरिंग था, तो जहाँ पर भी पूरा कवरिंग था ना, उस पोर्शन जो है वैसे की वैसे ही अभी है पानी, ये देखिएगा। तो इससे ये प्रूव होता है, तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, सोच लेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं करेक्ट हूँ उनको, तो पता नहीं, अभी आप खुद समझ गए होंगे। तो मेरे ख्याल से नहीं लगाना ही बेटर है, बिकॉज यहाँ पर आप नमी देख सकते हैं, वो नमी जो है अंदर का नमी बाहर नहीं जा रहा है, शायद एक डिसएडवांटेज ही है। यहाँ पर एक बार हम चेक करते हैं, देखते हैं। इधर फिलहाल ओके है, यहाँ पर देखिएगा ये पूरा नमी है, तो ख्याल से उल्टा ख़राब कर दे रहा है इसको। ओके थैंक यू, मेरे पास स्टोरेज भी अभी फ़िलहाल कम है। नहीं चिटकाए तो इज बेटर है, चुप ऐसे ही छोड़ दीजिए, मत चिटकाओ, ये काम न कुछ करो, आई थिंक ये फेल काम है, बिकॉज देख सकते हैं आप, ये पूरा चिटकाने की वजह से पूरा फंगस उल्टा ये होगा इस पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रख लीजिएगा इन फ्यूचर में। ये देखिए एंड ये प्लास्टर तो बैठ गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मे भी प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर में भी, ये उल्टा ख़राब हो रहा है टेप की वजह से। तो ये आप एक एक्स्ट्रा काम नको करो, कोई फ़ायदा भी नहीं लग रहा मुझे, ठीक है।